महाराज अग्रसेन की जय, माते महालक्ष्मी की जय। महाराष्ट्र पुणे के पास लोनावाला में ये महाराजा अग्रसेन पैलेस अग्रवालों के द्वारा निर्मित बहुत ही विशाल इस तरह का बहुत बड़ी वास्तु जो है यहाँ पर हो चुकी है। काफ़ी जो है यहाँ पर करीब 100 के ऊपर रूम्स है, हॉल्स है, और एक बहुत ही शानदार जो है ये वास्तु जो है महाराजा अग्रसेन पैलेस जो है निश्चित ही काफ़ी उपयोगी जो है। अग्रसेन जी के वंशज हम जो है अग्रवालों के लिए उपयोगी होगा। शादी ब्याह हर तरह के उत्सव के लिए, फंक्शन के लिए काफ़ी उपयोगी जो है इस तरह का ये वास्तु जो है, एक बहुत बड़ा पैलेस जो है यहाँ पर निर्मित हुआ है। निश्चित ही महाराष्ट्र के लोगों के लिए और महाराष्ट्र के बाहर के पूरे देश विदेश सभी के लिए ये अच्छा उपयोगी जो है, काफ़ी जो है ये जो पैलेस जो है उपयोग में आएगा। निश्चित ही इसका शुभारम्भ जो है हो चुका है, और आज जो है मुंबई अग्रवाल सामूहिक विवाह सम्मेलन द्वारा युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर होने जा रहा है, और उसके लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। काफ़ी युवक युवती जो है यहाँ पर परिचय सम्मेलन में हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये रूम जो है आपको यहाँ पर आप दिखा सकते हैं। देखिए काफ़ी रूम जो है यहाँ पर हैं, और आगे का भी हम आपको बताते रहेंगे। मेरे साथ आप जुड़े रहिए। आगे समय पे हम ये आपको हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर चाय, नाश्ता, खाना, इस तरह की पूरी व्यवस्था जो है, शानदार व्यवस्था परिचय सम्मेलन में आने वाले सभी गेस्ट और अभिभावक के लिए और युवक युवतियों के लिए की गई है। हम पहुँच रहे हैं मुख्य सभागृह, जहाँ पर जो है आज का विशाल युवक युवती परिचय सम्मेलन होने जा रहा है। ये आपको हॉल पे ले चलते हैं। अभी समय है
लोगों को आना बाकी है। ये हॉल के विशाल हॉल और काफ़ी व्यवस्था आप देख सकते हैं कि करीब 600-700 लोगों को बैठने की व्यवस्था, स्टेज जो है तैयार है, हॉल तैयार है और काफ़ी युवक युवती और उनके अभिभावक जो है कल रात से ही आ चुके हैं। देखिए, अब जैसा आपने देखा कि महाराष्ट्र पुणे के करीब लोनावाला यानी कि चलती की लोनावाला, इस तरह का बहुत बड़ा पर्यटन क्षेत्र जो है लोनावाला है। और लोनावाला के मैं काटला में है, ये एक विशाल महाराजा अग्रसेन पहले जो है यहाँ पर सभी अग्रवाल बंधुओं द्वारा निर्मित ये बहुत विशाल जो है वास्तु जो है। और यहाँ पर आज रविवार 8 जनवरी 2023 यहाँ पर होने जा रहा है एक विशाल युवक युवती सम्मेलन और उसकी पूरी तैयारी आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा है। निश्चित ही काफ़ी उपयोगी जो है परिचय सम्मेलन और वर्षों से मुंबई अग्रवाल सामूहिक विवाह समिति सम्मेलन जो है इस तरह का कार्यक्रम होने जा रहा है। पहली बार जो है महाराष्ट्र भर के सभी, और महाराष्ट्र नहीं तो पूरे देश के सभी युवक युवतियों का एक विशाल सम्मेलन जो है आज होने जा रहा है। निश्चित ही इसकी सफलता की हम शुभकामनाएं करते हैं और यह बहुत ही उपयोगी। और कल से ही जो है काफ़ी युवक युवतियाँ जो है यहाँ पर आ चुके हैं, उनके अभिभावक आ चुके हैं। हम अपेक्षा करते हैं कि काफ़ी संबंध जो हैं यहाँ बनेंगे और ये अच्छा उपयोगी जो है ये सम्मेलन होगा, इस तरह की हम अपेक्षा करते हैं। महाराष्ट्र पुणे के करीब लोनावाला से सुभाष हरिश्चंद्र गुप्ता। हर ग्रुप को एक पेपर दिया है, उसमें कॉपी दिया है। ओके कैंडिडेट्स, हर ग्रुप से एक हाथ ऊपर कर लीजिए, समझ में आ गया क्या हो रहा है? ओके, आपको एक पेपर दिया गया है, उसपे एक कॉपी दिया है, कोई उसको आगे यहाँ पर बोलना है। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट आपको दिया है उस पर आप डिस्कस कीजिए आपस में, आपको क्या लगता है वो जो टॉपिक है उसपे क्या होना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। आप सभी यहाँ पर आएंगे और आप में से एक या दो या तीन जो भी बोलना चाहे उस टॉपिक पे आपको बोलना है। ओके, क्या बोल रहे हैं? आपको बोलने के लिए समय की कोई लिमिट नहीं है, उस टॉपिक पे जो भी आप बोलना चाहे बोल सकते हो। आपके ग्रुप में अगर डिफर हो रहा है तो दो दिन दो अलग अलग पॉइंट भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आए हैं पीछे
निश्चय हमारी संस्था फॉलो भी करती है, आपको कार्ड दिया है जिसमें आपको तीन चॉइस लिखी है, वो कार्ड को आप हमारे संस्था में ऑफिस में वापस करें ताकि उसका फॉलो किया जा सके। अगर आप कार्ड साथ में ले जाएंगे तो हमको नहीं मालूम होगा कि आपने कौन सा लड़का या कौन सा लड़की पसंद की है, वो कार्ड संस्था कार्यालय में आप वापस करेंगे जो आपने चॉइस किया। मेरा पोत्र मेडिकल है, मैं 25 ईयर्स की हूँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 24 सितंबर 1997, 5'3" मेरी हाइट है, मेरा एजुकेशन बीकॉम, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है अपना बैंकिंग और ऑपरेशंस में, बैंकिंग सेक्टर में काम करती हूँ ICICI के साथ। मेरी दो छोटी बहनें हैं, एक ICICI बैंक में सर्विस करते हैं। वर्किंग ही होना चाहिए क्योंकि मैं भी वर्क कंटिन्यू करना चाहती हूँ। प्रॉपर बॉम्बे से चाहिए? हाँ, ये पहले डेट ऑफ बर्थ है 5'2". मेरा एजुकेशन मुंबई यूनिवर्सिटी से हुआ है, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन MBA into HR। और जीवन साथी का नो प्रेफरेंस एज सच, बट यस मुझे शादी के बाद जॉब करना है एंड मेरा बेस लोकेशन प्रिफर लोकेशन इज मुंबई। 167 जिनका फाइल नंबर है 167, रुचि केडिया आपका। नीता जी रजिस्ट्रेशन करिए। थैंक यू आपका नीता जी रजिस्ट्रेशन हो रहा है ना? चालू मीटर चालू। यस सर बिल्कुल इलेक्शन चालू है। हेलो आहे ओ जितेंद्र जी आगे ना। महाराष्ट्र पुणे के करीब ये लोनावाला के पास जो है ये महाराजा अग्रसेन पैलेस, और यहाँ पर आज जो है मुंबई अग्रवाल सामूहिक विवाह सम्मेलन द्वारा विशाल युवक युवती परिचय सम्मेलन जो है यहाँ पर संपन्न हो रहा है। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से भरा हुआ ये युवक युवतियों से हॉल है और युवक युवती अपना परिचय यहाँ पर दे रही हैं। निश्चित ही काफ़ी जो है यहाँ संबंध तय होने जैसे हैं और बहुत ही पुण्य कार्य जो है मुंबई अग्रवाल सामूहिक विवाह सम्मेलन कर रहा है। निश्चित ही काफ़ी अभिभावक को इसका लाभ मिलेगा और दलालों से छुटकारा मिलेगा। निश्चित ही बहुत ही पुण्यकार और स्वागत योग्य जो है इस तरह का कार्य जो है मुंबई अग्रवाल सामूहिक विवाह सम्मेलन कर रहा है। आप सभी की शुभकामनाएं निश्चित ही इस सम्मेलन को रहेगी। महाराष्ट्र पुणे के करीब लोनावाला से सुभाष हरिश्चंद्र गुप्ता।